मैं, हम, तू, तुम, आप पार्ट के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पार्ट सर्वनाम आदर रचित हुआ है सार लिंग और वचन के साथ। वाक्य वचन किस तरह रचित होता है एवं देखेंगे। सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले में जिन अक्षरों का प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, हम, तू, तुम, आप, इसे हम सर्वनाम कहते हैं। मक्कले, सर्वनाम नामपद बदलु उपयोगिसुव पदगळन्नु सर्वनामगळेंदु करेयुत्तेवे। उदाहरणेगे नानु, नीनु, नीवु, तावु। बच्चो, इस तरह सर्वनाम उपयोग करके किस तरह वाक्य रचन किया जाता है यह हम देखेंगे। बच्चों, हमें इस पाठ में समझना चाहिए लिंग और वचन के आधार इस पाठ रचित हुआ है। मैं गोपाल हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ गोपाल एक ही है, गोपाल एक पुल्लिंग है, इसलिए मैं गोपाल हूँ। मैं कहाँ आता है? वह वाक्य के अंत में हूँ आता है। मैं गोपाल हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। जाता आया, क्यों आया? गोपाल एक पुल्लिंग है और एक वचन में है, इसलिए जाता आया है। मैं स्कूल जाता हूँ। नानु गोपाला, नानु विद्यार्थी, नानु स्कूल के होगुत्तेने। मक्कले, इल्ली पाठ एंटु मैं, हम, तू, तुम, आप ई पाठ सर्वनाम लिंग मत्तु वचनगळ व्याकरणद आधारद मेले रचितवागिदे। मैं गोपाल हूँ, नानु गोपाला, नानु विद्यार्थी, नानु स्कूल के होगुत्तेने। अब आगे, मैं सरला हूँ, मैं छात्रा हूँ, मैं लिखती हूँ। बच्चों, यहाँ सरला एक स्त्रीलिंग है और एक वचन में है, इसलिए लिखती आ गई। मैं सरला हूँ। अब एक फिर बोलती हूँ, मैं कहाँ आता है? वहाँ वाक्य के अंत में हूँ आता है। मैं सरला हूँ, मैं छात्रा हूँ, मैं लिखती हूँ। यहाँ बदल गया, हाँ, मैं लिखती हूँ। ई की मात्रा प्रयोग किया जाता है क्योंकि सरला एक स्त्रीलिंग है, इसलिए लिखती आ गया। आगे, हम लड़के हैं, हम मित्र हैं, हम पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ हम एक बहुवचन में है, लड़के, लड़के, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, लड़का पुल्लिंग में है, इसलिए लड़का का बहुवचन लड़के। हम लड़के हैं। हैं के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाना चाहिए। कहाँ बहुवचन प्रयोग किया जाता है? वहाँ अंत में हैं के ऊपर अनुस्वार प्रयोग किया जाता है। हम लड़के हैं, हम मित्र हैं, हम पाठ पढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हम पाठ पढ़ते हैं, हम बहुवचन है इसलिए पढ़ते हैं। यहाँ दो लड़के हैं, इसलिए लड़के पढ़ते बहुवचन में प्रयोग हुआ है। हम पाठ पढ़ते हैं। फिर
रहती हैं। बच्चों यहाँ एक ही लड़की नहीं है, दो तीन लड़कियां हैं, इसलिए हमें क्या प्रयोग करना है? बहुवचन प्रयोग करना है। लड़की लड़कियां हम बहुवचन में है, लड़कियां बहुवचन में है, इसलिए अंत में है के ऊपर क्या आना है? बिंदु आना है। हम लड़कियां हैं, हम खेलती हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अब बहुवचन है, अब खेलती आ गई। क्यों? यहाँ स्त्रीलिंग है, लड़कियां स्त्रीलिंग है, इसलिए खेलती आ गई है। फिर है के ऊपर अनुस्वार, हम खेलती हैं, हम साथ रहती हैं, हम साथ रहती हैं। यहाँ लड़कियां स्त्रीलिंग है, इसलिए रहती ई की उपयोग किया जाता है, इसलिए रहती हैं, हम साथ रहती हैं। अब आगे तू मोहन है, तू मोहन है, तू यहाँ एक वचन है, मोहन यहाँ पुल्लिंग है, तू दूध पीता है, तू बलवान है, तू दूध पीता है। समझना चाहिए यहाँ पीती नहीं आया, पीते नहीं आता है, क्योंकि मोहन एक ही है, एक वचन में है, पुल्लिंग में है, इसलिए दूध पीता है आ गया। आगे तुम किसान हो, तुम किसान हो, तुम हल चलाते हो, तुम अन्नदाता हो, तुम किसान हो। वहां एक ही किसान है चित्र में, किसान तुम एक गौरवसूचक पद है, किसान, इसलिए तुम उपयोग किया गया है। तुम यहाँ बहुवचन में है, तुम किसान हो। बच्चों यहाँ समझना चाहिए कहाँ तुम आता है, वहाँ वाक्य के अंत में हो आता है। तुम किसान हो, तुम हल चलाते हो, तुम हल चलाते हो, यहाँ चलाते आ गया। क्यों आ गया? वहाँ किसान एक गौरवसूचक पद है, इसलिए चलाते आ गया, रेस्पेक्टिव प्लेस, इसलिए चलाते आ गया। तुम अन्नदाता हो। नीवु रैतरिद्दीरी, नीवु नेगिलन्नु चलायिसुत्तीरि, नीवु अन्नदातरागिद्दीरि। आम अध्यापक है, आम अध्यापक है, वहां अध्यापक एक ही है, मगर अध्यापक एक गौरवसूचक पद है, इसलिए आप प्रयोग किया गया है, आप एक बहुवचन में है, आप अध्यापक है, अंत में हाई के ऊपर क्या आ गया? अनुस्वार। आप कविता सुनाते हैं, सुनाते, यहाँ भी सुनाते हैं, बहुवचन। आप कविता सुनाते हैं, आप लिखना सिखाते हैं, सुनाते सिखाते, ये सब बहुवचन में है। अध्यापक एक गौरवसूचक पद, इसलिए सुनाते सिखाते प्रयोग किया गया है। बच्चों अब यहाँ उदाहरण के अनुसार सर्वनाम पद किस तरह लिंग और वचन के साथ साथ प्रयोग किस तरह किया जाता है ये हम देखेंगे। मैं लिखती हूँ, मैं एक वचन में है, मैं सर्वनाम एक वचन में है, इसलिए अंत में क्या आता है? हूँ। लिखती, देखिए बच्चों यहाँ लिखती स्त्रीलिंग, एक वचन सर्वनाम और स्त्रीलिंग। मैं लिखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, यहाँ भी एक वचन सर्वनाम और स्त्रीलिंग में वाक्य रचन हुआ है। मैं खाता हूँ, देखिए बच्चों यहाँ मैं सर्वनाम, खाता खाता पुल्लिंग, मैं खाता हूँ का
मैं देखता हूँ, यहाँ देखता देखता आ गया, क्यों आ गया, यहाँ पुल्लिंग पुल्लिंग है, पुल्लिंग में इस वाक्य रचन हुआ है, इसलिए मैं देखता हूँ। मैं हंसती हूँ, यहाँ ई की मात्रा प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है, ये वाक्य स्त्रीलिंग में है। मैं सर्वनाम हंसती स्त्रीलिंग और हूँ, मैं हंसती हूँ। तुम बच्चों यह समझना चाहिए, तुम सर्वनाम कहाँ आता है, ये वाक्य के अंत में वो प्रयोग किया जाता है। तुम लिखती हो और लिखती लिखती स्त्रीलिंग में है, तुम लिखती हो, तुम पढ़ती हो, तुम खाते हो। देखिए बच्चों, तुम सर्वनाम खाते खाते यहाँ बहुवचन में है, हो तुम खाते हो, तुम जाते हो, तुम बहुवचन और जाते बहुवचन, तुम जाते हो। तुम गाती हो, तुम सर्वनाम गाती एकवचन और स्त्रीलिंग, इसलिए ई की मात्रा प्रयोग हुआ है, गाती हो, तुम गाती हो। तुम देखते हो, यहाँ देखते तुम बहुवचन में है, इसलिए देखते आ गया, तुम देखते हो। नीनू नोडुतिया, तुम हंसती हो, तुम हंसती यहाँ हंसती स्त्रीलिंग में है, इसलिए हंसती हो। आप लिखती हैं, यहाँ देखिए बच्चों, आप सर्वनाम के अंत में क्या आना है, ऐ के ऊपर अनुस्वार का बिंदु लगना चाहिए। आप लिखती हैं, ये स्त्रीलिंग में है। आप पढ़ती हैं, आप खाते हैं, आप जाते हैं, आप गाती हैं, आप देखते हैं, आप हंसती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ मैं लिखती हूँ, तुम लिखती हो, आप लिखती हैं। मैं पढ़ती हूँ, तुम पढ़ती हो, आप पढ़ती हैं। मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, आप खाते हैं। मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, आप जाते हैं। मैं गाती हूँ, तुम गाती हो, आप गाती हैं। मैं देखता हूँ,